नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक यूनिक सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में चाहे बच्चों के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जैसे कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, टॉप में, पुलोवर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, सॉक्स में, शूज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में इसे आप डाल सकते हैं। और इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 7 फंदे एक्स्ट्रा, या यूँ कहें कि 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा कम। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लें और पहला फंदा प्राइमरी से कलर से आप सीधा बुन लें और अब सेकेंडरी कलर को आगे कर लें। फिर 7 फंदा प्राइमरी कलर से सीधे बुनें, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदा हमें अपने प्राइमरी कलर से सीधा बुनना है। अब सेकेंडरी कलर वाले ऊन को उठाइए और इसे दूसरी तरफ कर दीजिए। सेकेंडरी कलर वाले ऊन से हमें बुनाई नहीं करना है। पहले फंदे के बाद मैंने इसे अपनी ओर करेंगे, यानी फॉरवर्ड में करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनने के बाद इसे दूसरी तरफ कर देंगे। और अब 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3। अब सेकेंडरी कलर वाला ऊन उठाइए और फिर इसे अपनी तरफ कर लीजिए और इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब फिर 5 फंदा सीधा बुनिए, 1, 2, 3, 4, 5। और अब आप फिर सेकेंडरी कलर वाले ऊन को उठाइए और इसे दूसरी तरफ कर दीजिए। अब फिर 3 फंदा सीधा बुनिए, 1, 2, 3। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद फिर सेकेंडरी कलर वाला ऊन लीजिए और इसे अपने आगे कर लीजिए। अब फिर 5 फंदा सीधा बुनिए, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर सेकेंडरी कलर वाला ऊन लीजिए, इसे दूसरी तरफ कर लीजिए और फिर लास्ट फंदा है उसे सीधा बुन लीजिए। इस तरह हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड रो में फिर पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और सेकेंडरी कलर वाले ऊन को वापस सामने कर देंगे और फिर 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर सेकेंडरी कलर वाले ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और फिर 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर ऊन को उठाएंगे और दूसरी तरफ कर लेंगे और फिर 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और अब ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे। तो इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद उन अपनी ओर, फिर उन अपनी ओर कर लेना है। फिर प्राइमरी कलर से ही सारे फंदे बुनने हैं। 3 फंदा उल्टा बुनेंगे,
फिर उन दूसरी तरफ कर देंगे। सेकेंडरी कलर को ही हमें आगे पीछे करना है, उन दूसरी तरफ कर देंगे, फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर उनको अपनी तरफ कर देंगे और लास्ट फंदा उल्टा बुन देंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ऊन को सेकेंडरी कलर वाले ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और फिर पांच फंदा प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, और फिर ऊन को दूसरी तरफ कर लेंगे। यानी अपने थर्ड रो में हम अपने पहले लाइन को ही दोहराएंगे, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे, फिर पांच फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पांच फंदा ऊन अपनी ओर करेंगे, पांच फंदा सीधा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और अब तीन फंदा सीधा बुनेंगे। तीन फंदा सीधा बुनने के बाद फिर उन अपनी ओर करेंगे और अब की बार पांच फंदा सीधा बुनेंगे। पांच फंदा सीधा बुनने के बाद फिर उन दूसरी ओर करेंगे और लास्ट में एक फंदा आएगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से फिर हम अपने दूसरे लाइन को दोहराएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे या इसे स्लिप कर लेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और पांच फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुनेंगे। पांच फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर उन अपनी ओर करेंगे और अब की तीन फंदा उल्टा बुनेंगे। तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर उन दूसरी ओर करेंगे और अब की पांच फंदा उल्टा बुनेंगे। तो आपने देखा कि पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं आठ फंदों को पांच फंदा उल्टा बुनने के बाद उन एक फंदा उल्टा बुनने के बाद उन सामने करेंगे, फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद उन दूसरी तरफ कर देंगे यानी सामने की ओर कर देंगे और फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चार लाइन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का डिज़ाइन आया है। तो आपने देखा कि बुनाई सिर्फ प्राइमरी कलर से ही हो रहा है, सेकेंडरी कलर को सिर्फ आगे या पीछे किया जा रहा है। तो पांचवें लाइन में अब यहाँ पे हमारा मेन लाइन है, इसे ध्यान से देखिएगा। पांचवें लाइन में हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक इसे पहले फंदे को या तो स्लिप कर लेंगे या फिर सीधा बुन लेंगे, फिर दो फंदा और सीधा बुनेंगे। तो ये पांच फंदे में से दो फंदा ये बुना जा चुका है और ये मिडिल फंदा यानी तीसरा फंदा है। तो तीसरा फंदा बुनने से पहले उन सिलाई को इन चारों फंदे के नीचे से ऐसे लाएंगे और अब इस तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और फिर ऐसे नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और अब इस फंदे को एक बार और सीधा बुनेंगे। फिर सात फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदा सीधा बुनने से फिर हम इस मिडिल पॉइंट पे आ गए हैं। पांच फंदों में से ये तीसरा फंदा है। तो फिर हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, या तो हम चारों फंदों को ऐसे बाएं सिलाई में ऐसे उठा लें और अब
इन चार फंदों को और हमारे तीसरे फंदे को, दोनों को एक साथ लेके और एक सीधा फंदा बना लें। एक सीधा फंदा बना लें और फिर अब इस फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और एक बार फिर इसे सीधा बुन लेंगे, यानी तीसरे फंदे को हम दो बार बुन रहे हैं। फिर हम सात फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और देखिए हम पांच फंदों में से मिडिल फंदे पे आ गए हैं। अब फिर या तो इस बाएं सिलाई में चारों फंदों को उठा लीजिए या फिर दाहिने सिलाई को इन चारों फंदों के नीचे से ऐसे निकालिए। दोनों तरीके से जिस तरह आपको आसानी हो आप उसे बुनिए। हमें इन इन तीसरे फंदे को बुनना है और साथ ही साथ इन फंदों को भी बुन लेना है। जब हम ऐसे सिलाई डाल के और इस तीसरे फंदे को बुनेंगे और नीचे से निकालेंगे तो ये तीनों फंदे भी बुन जाएंगे। और अब हम इस फंदे को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और इसे वापस एक बार और सीधा बुन लेंगे और लास्ट में तीन फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से यानी छठे लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। छठा लाइन उल्टा बुना जा चुका है और अब ये हमारा सातवां लाइन है और इसमें फिर से डिज़ाइन बनेगा। तो पांच फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और देखिए पांच फंदा ये जो बीच में गैप है वो, और एक एक फंदा साइड से, ये पांच फंदे हमारे मिडिल में हो जाएंगे। और अब यहाँ पे हम सेकेंडरी कलर को आगे करेंगे और पांच फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए यहाँ जहाँ डिज़ाइन बना था वो और साइड के दो फंदे, अब इसमें हम इसके पहले हमें उनको दूसरी तरफ कर लेना है और ये तीन फंदे अब सीधे बुन लिए जाएंगे, एक दो तीन, यानी इसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनेगा। और अब तीन फंदे बुनने के बाद उनको फिर अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। पांच फंदा कंप्लीट होने के बाद फिर सेकेंडरी कलर को दूसरी तरफ कर लेंगे और लास्ट के सारे पांच फंदे बचे हैं उसे हम सीधा बुन लेंगे। आठवीं लाइन में पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, और फिर सेकेंडरी कलर को हम सामने की तरफ कर देंगे और फिर पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और अब सेकेंडरी कलर को अपनी तरफ कर लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, और फिर सेकेंडरी कलर को हम सामने की तरफ यानी दूसरी तरफ कर लेंगे और अब की पांच फंदा सीधा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में पांच फंदे बचे हैं जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। नाइन्थ रो सेवेंथ रो की तरह ही बुना जाएगा और एर्थ रो टेंथ रो की तरह। तो दोनों लाइनों को बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो नाइन्थ रो और टेंथ रो कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे सेकेंडरी कलर के चार धागे बन गए हैं। तो अब ये हमारा एलेवेंथ रो है यानी ग्यारहवां लाइन, और इसमें ये हमारा मेन लाइन है। तो
हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और देखिए ये हमारा ये मिडिल फंदा है। इन 7 फंदों में से जिसमें से ये उन आगे पीछे किया गया है, ये मिडिल फंदा है। तो इसमें हम अब फिर दाहिने सिलाई को इन 4 फंदों के नीचे से ऐसे लाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब उन सिलाई को इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे, फिर इस फंदे को बाएं सिलाई में लेंगे और एक बार और सीधा बुन लेंगे। फिर हम 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और फिर हम इन 5 फंदों में से तीसरे फंदे पर पहुंच गए हैं। फिर दाहिनी सिलाई को इन 4 धागों के नीचे से ऐसे लाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर हम सिलाई नीचे से इन 4 फंदों के नीचे से 4 धागों के नीचे से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक फंदा बन गया है जिसे हम बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे और इसे वापस सीधा बुन लेंगे। और लास्ट के 7 फंदे हैं जिसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से यानी 12वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे। फिर 13वीं लाइन में पहला लाइन शुरू हो जाएगा। एक फंदे के बाद सेकेंडरी कलर को अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे को सीधा बुनने के बाद फिर सेकेंडरी कलर को दूसरी तरफ कर देंगे और इन्हीं 12 लाइनों को दोहराने से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में मैंने बेस कलर को यानी प्राइमरी कलर को डार्क रखा है और सेकेंडरी कलर को लाइट रखा है। और इसमें मैंने प्राइमरी कलर को लाइट रखा है और सेकेंडरी कलर को डार्क रखा है ताकि आपको पता चले कि ये डिज़ाइन कैसा दिखता है, क्योंकि ये डार्क में है और ये लाइट में है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, अगर आपको अच्छा लगेगा, देखिए तितली की तरह बुनावट हुई है। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कीजिए, इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।